बोकारो की, जहां सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत हो गई। घटना के विरोध में परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया है और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है परिजनों ने। वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, ये तस्वीर वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिन स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला दिया जाता है, जो दावे किए जाते हैं, उन दावों में कितना दम है, उन दावों की सच्चाई क्या है कि ऑक्सीजन की कमी से एक शख्स की मौत हो गई। खुला उसके बाद वो छटपटाने लगा, तो वो जो वार्ड बॉय था, उसका नाम हम नहीं जानते, कोई राजकुमार बता रहा है, जो भी हो, वो कहा किया कि बेड से उसको वो व्हील चेयर लाया और दरवाजे तक लाया वहाँ रूम का, और फिर वहां से उसको उतार के और ऐसे अपना हाथ से जबरदस्ती पकड़ के घसीटते हुए बोला चलो तुमको दूसरा जगह ले जा रहे हैं। रास्ते में वो गिर गया तो फिर उसी तरह उसको घसीटते हुए ले, चप्पल तपल वही छूट गया और ले जा करके अब ऑक्सीजन उसको नाक में था ही नहीं, वो यहीं पर मर गया। फिर जाके जूठे आईसीयू में रख करके और यहाँ लगा दिया नाक में और छोड़ दिया उसको। फिर जाके जांच करेंगे, वो आदमी को बुलाए हैं कि काहे ऐसा हुआ है। ये लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं कि मतलब पेशेंट को यहाँ से आईसीयू में शिफ्ट किया है तो व्हील चेयर पर निकाला है और ऑक्सीजन शायद नहीं लगा होता, हम तो उसको पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे कि उसको मैं बुलाया हूँ, वो आ जाता है तो सबके सामने पूछेंगे उससे कि विदाउट ऑक्सीजन तुम क्यों लेके गए, लेकिन हम लोग सीसीटीवी में क्या है चेक कर लेंगे, चेक करके जो मैटर होगा क्लियर, यदि वो गलती किया होगा तो उसको पर निर्भर। सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की जान चली गई और परिजन तो काफी संगीन आरोप भी लगा रहे हैं। जी आरती, जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि कल रात हालत गंभीर थी मरीज का, उसे सदर अस्पताल ले आया गया था, लेकिन जिस तरह से परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया था धनबाद, लेकिन उसको रखा गया, जब रखा गया तो रात भर वो मरीज बिल्कुल ठीक था, सुबह में अखबार भी पढ़ रहा था, लेकिन एक अन्य मरीज सीरियस आने की वजह से जो उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगा हुआ था उसको, उस पाइप को निकालकर जो मरीज आया था उसे लगा दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती गई, तो वहीं पर वार्ड बॉय ने उसे स्ट्रेचर पर बैठाकर आईसीयू लेने की कोशिश की, जिसका दम घुटने से वह जो लगातार दम घुट रहा था तो वो जो स्ट्रेचर था उससे वो गिर गया और गिरने से उसकी मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि घोर लापरवाही है या हत्या का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह से परिजनों का कहना है कि वह घर में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति थे और उसकी मौत हो गई है। वही जो सदर अस्पताल के डीएस है उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज की भी बात हमने की तो कहे कि सीसीटीवी फुटेज को भी जांच कर हम जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुरेंद्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।